यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से एड बुलेट पर क्लिक करना है। अब आप इसमें जो भी दोगे वो अपने आप एंटर करके दे देना, बस वो अपने आप ही बुलेट ले लेगा अपने आप। बुलेट का सेल्स यहाँ पे केवल इतना है कि वो आगे आपको एक पॉइंट दे रहा है, नंबरिंग ना देखे। जहाँ पे आप एंटर मतलब वो करोगे, जैसे इस पे नहीं लेगा अभी क्योंकि हमने इस पे लगाई नहीं है, आपको केवल इस पे क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है बस। फिर लिखते जाए लिखते जाएंगे तो वो आता जाएगा। और अगर वैसे करेंगे, अब इसमें ऐड नहीं किया है, इसमें लिख रहे हैं, डायरेक्ट जा रहा है। नंबरिंग नंबरिंग का तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। केवल यहाँ पे बुलेट्स का ऑप्शन है जो यहाँ पे दिया है, तो आप इसके अकॉर्डिंग केवल बुलेट दे सकते हैं। नंबरिंग लिखना है तो फिर आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। जब तक सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक तो कुछ अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट पेन। आपने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे वो आपको शो कराता है। तो आपने आपका जो जो भी मतलब पहला वाला आर्ट शेप था, ये पहला वाला था इतना क्रो तक, तो इसने पहला वाला शो करा दिया। इसमें हमने ऑप्शन दिए थे चार, ये हमारे चार ऑप्शन। दूसरे वाले में फिलहाल में टेक्स्ट ही लिखा है और यहाँ पे टेक्स्ट हेडिंग डाल के ये 3 पॉइंट जो भी हमने यहाँ पे लिखे थे बुलेट देने के लिए वो सारे शो करा है। तो आप यहाँ पे तीनों चारों पांचों जितनी भी शेप आपके पास है उसमें जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। ये फोन ऑफ करिए, बिल्कुल बंद करिए। सेव कंट्रोल एस से, जैसे आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सेव करते हैं ना वैसे। ये पढ़ लें फिर बता रहे हैं, ठीक है? ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेव करना बता देंगे। टेक्स्ट पेन के द्वारा क्या हो रहा था, आपने जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा था वो आपको शो करा रहा था। प्रमोट के द्वारा आप शेप बढ़ा सकते थे और डिमोट के द्वारा घटा सकते थे। राइट टू लेफ्ट में क्या है, जैसे अगर आपको इसका राइट इन दोनों की क्या पोजीशन चेंज करनी हो, हम इसे हटा देते हैं और इसे भी हटा देते हैं। अब हमारे पास ये केवल दो बचे हैं, हमें इनकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी कि जो लेफ्ट वाला है उसे राइट में लाना है और राइट वाला जो है उसे लेफ्ट में लाना है। तो आप राइट राइट लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे, आप जो लेफ्ट में था वो राइट में चला गया और राइट वाला लेफ्ट में आ गया। इससे आप इनकी सारी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो आपको लेआउट के ऑप्शन ही दिए थे कि अगर आपको यहाँ से और कोई चेंज करना है इनमें शेप में, तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते थे। यहाँ से आप इसमें कलर दे सकते थे अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको कलर चाहिए, ठीक है? इसके बाद अगर ये आपको कोई भी एडिटिंग नहीं चाहिए तो आप इसे बिल्कुल रीसेट कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक के द्वारा आप इस पर क्लिक कर देंगे, जैसा आपने स्टार्टिंग में लिया था वैसा ये हो जाएगा। इसमें आपने जो भी लेआउट चेंज करे थे, कलर चेंज करे थे, 3D इफेक्ट दिए थे, वो सारे रिमूव हो जाएंगे किसके द्वारा। फोन फोर हो तो आप इस पर क्लिक करना, यहाँ से हम एड शेप करेंगे इस, ठीक है? बहुत सारे हो बस, अब एक एक करके हम लेफ्ट राइट में तो जाएंगे, अब आप करते रहिए करते रहिए। कुल मिला के क्या हो रहा है कि उनकी वो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में चला जाएगा। अभी ये यहाँ फर्स्ट पे है, आप करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हुई, ये इसने लास्ट वाले से पोजीशन चेंज कर ली। ये लास्ट वाले से कर रहा है, ये सेंटर में ही रह रहा है और ये एक दूसरे से कर रहा है, उसमें टेक्स्ट नहीं है इसलिए वो समझ नहीं आ रहा। तो कुल मिला के क्या होगा, उनकी पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में। समझ में इनके लिए दो जॉब आप लेंगे ना तो उसमें ज्यादा क्लियर समझ आएगा। यहाँ से पूरा रिसेट हो जाएगा। अब हम इसकी एडिटिंग वापस ले आते हैं, इसलिए हम कंट्रोल बाय कर देंगे। इतनी बार किया था कंट्रोल जेड से, हमें से नॉर्मल ले आए, कंट्रोल वाई से आगे का थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल जेड से पीछे वाला, ये वाले पूरे आ गए। अब इसमें फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या हो रहा था, अगर आपको इसकी शेप चेंज करनी है तो आप यहाँ से शेप चेंज कर सकते हैं। ये जो बाहर है इसकी, इस पर क्लिक है, आप चेंज शेप पे गए, आप यहाँ से कोई भी शेप दे देंगे,
वो शेप में इसका टेक्सचर आ जाएगा। ठीक है, पीछे वाला जो पेज था, शेप था, उसकी केवल क्या हो रही थी, मतलब उसे यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। आप इसके ड्रॉप डाउन पर जाना, आपको जो भी शेप लेनी हो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेना, वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप इसमें लार्जर कर सकते हैं, थोड़ा सा छोटा करना है स्मॉलर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा, लेकिन पता कहाँ चलेगा, यहाँ से स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है और यहाँ पे बॉर्डर भी शो करा रहा है। लार्जर कर देंगे तो ये ऊपर तक आ जाती है और ये नीचे तक आ गई, तो लार्जर से थोड़ा सा बड़ा हो गया और स्मॉलर से थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसकी जो शेप है, अगर आपको यहाँ से कोई शेप स्टाइल के द्वारा कोई कलर सिलेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लें, वो इसमें अप्लाई हो गया। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, आप शेप फिल पर जाएंगे, जो भी कलर आपको लेना है वो आप सिलेक्ट कर लें, और अगर आपको कलर में वेरिएशन चाहिए यानी कि और ऑप्शन चाहिए तो आप मोर फिल कलर पे जाना, स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर के ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। जो भी कलर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देना, वो उसमें अप्लाई हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पिक्चर देनी है पीछे, तो आप पिक्चर पर क्लिक करना, यहाँ से आप ऑफलाइन और इसके द्वारा आप ऑफलाइन सर्च करके कर सकती हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आप उसे इंसर्ट कर देना, इंसर्ट करने के बाद वो इसमें फिल हो जाएगी जैसे इसमें की थी हमने। इसके बाद है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर होता है दो या दो से अधिक कलरों का मिक्सचर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेडियंट पर जाएंगे, यहाँ से आप जो पहले से इसमें है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप मोर ग्रेडियंट कलर पे जाना, ग्रेडियंट फिल पर जाना, यहाँ पे आपके सामने ये पेंसिल्स आएंगी, यहाँ पे आपको शो हो रहा है कलर, आप क्या करना, फर्स्ट वाली पेंसिल पर क्लिक करना, जैसे ही वो सिलेक्ट हो जाएगी आप यहाँ से कलर पर जाना, जो भी कलर आपको इसमें मिक्स करना हो, दो चार कलर तक हो, अब एक से तो कलर बनेगा नहीं, अगर एक कलर है तो वो सॉलिड फिल में आएगा, कम से कम दो कलर तो ग्रेडियंट में होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कलर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने चार पेंसिल ली है, अगर आपको यहाँ से कम करनी है तो जो भी कम करनी है वो पेंसिल पर आप सिलेक्ट क्लिक करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रॉस का साइन लगा है इस पर, रिमूव ग्रेडियंट स्टॉप, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो पेंसिल आपकी वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अगर ऐड करनी है तो इस वाले पर क्लिक करेंगे, ऐड ग्रेडियंट स्टॉप, इससे वो आ जाएगी। तो जितने भी आपको कलर लेने हो तो आप इसके द्वारा ऐड कर सकते हैं, और नहीं लेने हैं तो आप इसके द्वारा ही रिमूव कर सकते हैं। दूसरी पेंसिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से दूसरा कलर देंगे, आया नहीं क्या? अच्छा, इस पर चार है इसलिए इसको और रिमूव कर देंगे। थर्ड वाली पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा कलर दे देंगे, ये इसमें आ गया और इसमें भी फिल होता चला गया। तीन कलर का मिक्सचर शो करा रहा है आपको, येलो, रेड एंड ग्रीन। इफेक्ट कम ज़्यादा करनी है तो इनकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे, जितनी आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे इफेक्ट उसके कम या ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद है इसमें टेक्सचर, ये आपको कुछ टेक्सचर दिए गए हैं, अगर आपको इनमें से कुछ चूज करके उसके पीछे फिल करना है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया तो ये इसमें टेक्सचर फिल हो चुका है, आ जाएगा तब शेप की आउटलाइन कल पड़ेगी क्योंकि अभी टाइम हो गया है। इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कह दीजिए पूरा ही डाउट है।